Today we discuss some more technical problems based on area related to the circle. Suppose आपके पास ये question है, ये quadrant है, इसका radius फोर्टीन है और इसके अंदर एक square बना हुआ है. एक क्या बना हुआ है, स्पेयर. ये फिगर आपके पास है, ये आपके पास एक स्पेयर है, ए बी सी डी और ये क्वाड्रेंट है ए ई एफ या सेक्टर है. इस स्क्वायर की साइड 14 दी हुई है. फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. तो ये क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पोर्शन इन द गिवन फिगर इन गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इफ सॉरी रेडियस नॉट रेडियस इट इज साइड ऑफ द स्क्वायर इफ ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड होगी. इससे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, एसी. क्यों फाइंड करेंगे एसी, क्योंकि एसी ही है इस क्वाड्रेंट या सेक्टर का रेडियस. तो सॉल्यूशन के लिए क्यों, क्योंकि अगर ये शेडेड पोर्शन आप एरिया निकालना चाहते हैं तो पहले आप ए ई एफ क्वाड्रेंट या सेक्टर का एरिया निकालेंगे. इसमें से ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसके एरिया को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट. तो आपके पास ये शेडेड रीजन आएगा. तो उसके लिए पहले मुझे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम. एसी निकालनी है तो एसी विल बिकम अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. लेकिन ए बी स्क्वायर 14 है, ये भी 14 का स्क्वायर, ये भी 14 का स्क्वायर. तो ये आपको आप लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 14 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों लाइक टर्म से 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर इनके कोफिशिएंट 1-1 है तो ऐड हो जाएगी 2 इंटू 14 का स्क्वायर, या ये कहें 14 रूट 2 सेंटीमीटर. ये होगा एसी. ये एसी हमने इसलिए फाइंड किया है क्योंकि रेडियस होता है सेंटर से सर्कल पर कोई भी पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस. तो एसी हमारा क्या हुआ, रेडियस. अब रेडियस आपके पास निकल गया, आप सीधा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या सेक्टर, एक ही बात है मैंने बताया, क्वाड्रेंट इज दैट सेक्टर विच कंटेन्स सेंट्रल एंगल ऑफ 90. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नाम लिख देता हूं ए ई सी एफ. इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल. अब यहां पाई आपके पास है नहीं दिया हुआ है तो यू विल टेक 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस आपने एसी जो निकाला है ये रेडियस ही है, 14√2 ये जो निकाला है एसी ये क्या है, रेडियस. तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14√2 इंटू 14√2. इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखिएगा 7 से ये 2 पे कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 2 से ये 2 पे और 2 से ये 11 पे, क्या बच गया आपके पास 11 इंटू 14 और इंटू √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 7 से ये कैंसिल किया 2
टू से ये कर लीजिएगा, टू से फिर ये इलेवन पे हो जाएगा। बचता क्या है आपके पास, इलेवन और इंटू फोर्टीन और रूट टू, और रूट टू मल्टीप्लाई होंगे तो टू। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, इलेवन टू से 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब इसमें इस क्वाड्रेंट के एरिया में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर दैट विल बिकम्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये आपके पास आ गया 308 माइनस 196, तो ये आपके पास टोटल आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले आपको उस फिगर में देखना पड़ेगा कि शेडेड पोर्शन निकालने के लिए किन दो फिगर्स के एरिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था ए ई सी एफ एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, साइड स्क्वायर की दी हुई है, तो साइड स्क्वायर की अगर दी हुई है तो इस स्क्वायर की साइड से इसका डायगनल निकाल लेंगे स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर का डायगनल ही इस क्वाड्रेंट का या सेक्टर का रेडियस है। तो रेडियस आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद साफ नजर आ रहा है इस सेक्टर में से इस एरिया स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट शेडेड रीजन का आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से, सपोज ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, फिर से इसमें ये एक सेमी सर्कल है, एक ऐसे ही ये सेमी सर्कल है, एक ऐसे ही ये सेमी सर्कल है, ऐसे ही ये सेमी सर्कल है। तो आपके पास ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी साइड फिर से 14 सेंटीमीटर मान लीजिए दी हुई आपको। अब आपके पास इनका एरिया आपको निकालना, मान लीजिए सेंटीड पोर्शन ये, इनका एरिया निकालना है सेंटीड पोर्शन का, तो कैसे निकाले, मान लीजिए जो ये व्हाइट पोर्शन, इनको मैं नंबर डाल देता हूं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं ए और यहां नाम मान लीजिए कोई भी है, पी है नाम, तो ए पी बी जो सेमी सर्कल है और डी पी सी सेमी सर्कल है, इनको अगर स्क्वायर में से घटाऊंगा तो मेरे पास सेकंड और फोर्थ का एरिया आ जाएगा, या मैं बी पी सी और डी पी ए सेमी सर्कल का एरिया स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 1+3 आ जाएगा। तो चाहे आप 1+3 निकाल लें चाहे 2+4 को, तो इक्वल ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर्स के सेमी सर्कल जो ड्रॉ किए गए हैं वो स्क्वायर्स की साइड्स के डायमीटर को लेके गए हैं। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन Shaded region if sides of a square is 14 centimeter in given figure. ये सम दो तरह से आ सकता है, एक तो ये हो सकता है white portion का area पूछे आपसे, या हो सकता है ये सेंटीड पोर्शन का पूछे,
तो दोनों सॉल्व करके दिखा देते हैं हम सॉल्यूशन। नंबर वन, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले आप निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ये आ गया साइड इंटू साइड यानी 14 × 14 इट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने निकाल लिया, अब आप मान लीजिए एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल निकालते हैं, सेमी सर्कल्स तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाय टू, लेकिन दो सेमी सर्कल है तो इट विल बिकम ए सर्कल सिंपल। यहां पाई तो 22/7 ही लेंगे, लेकिन रेडियस जो है आपके पास वो होगा 7, क्योंकि डीसी इस सेमी सर्कल्स जो चारों सेमी सर्कल यहां बना दे रहे हैं, एक तो ए पी बी, एक बी पी सी, सी पी डी या ए पी डी, इन सबका सबका रेडियस 7 है, तो × 7 × 7 इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो सेमी सर्कल का एरिया आया, दो सेमी सर्कल का मतलब ये वाला पोर्शन आ गया और ये वाला, अब स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे तो ये बचेंगे, तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट या एरिया ऑफ सेकेंड और फोर्थ एक ही बात है। दो सेमी सर्कल मान लीजिए ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1+3, तो यहां 1+3 का एरिया आ गया 196 में से दो सेमी सर्कल का आपने माइनस किया 154, यू विल गेट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये सेंटर पोर्शन निकालना है तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड का आ गया, चारों का अगर निकालना है तो एरिया ऑफ फोर वाइट पोर्शंस, चार वाइट पोर्शंस का निकालना है तो आपके पास ये हो गया 2 × 42 यानी 84 सेंटीमीटर। ये तो हमने एरिया ऑफ वाइट पोर्शंस निकाल दिया, लेकिन एरिया वाइट पोर्शन तो निकालना ही नहीं, हमें तो ये शेडेड पोर्शन निकालना है। तो शेडेड पोर्शन अब स्पष्ट है कि अगर स्क्वायर में से इन वाइट पोर्शन के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ वाइट पोर्शंस या फोर वाइट पोर्शंस। वाइट पोर्शंस क्या आ रहे हैं, उनको नंबर डाला हुआ है मैंने 1, 2, 3, 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने कितना फाइंड किया था 196, इसमें से चारों वाइट पोर्शन, ये चार वाइट पोर्शंस का एरिया था 84, ये सबट्रैक्ट करेंगे फिर से आपके पास क्या आंसर आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो तरह के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ये एरिया निकलवाया है 1+2+3+4 का उस क्वेश्चन में। अब मैंने ये थोड़ा बदल दिया, मैंने इनका नहीं इनका फाइंड करवा लिया, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको समझ के और सॉल्व कर देना है। एक और देखते हैं लास्ट, फिर इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट। अब की बार मान लीजिए मैं ले देता हूं ट्राइंगल और सेमी, ये लेते हैं सपोज ये एक सर्कल है हमारे पास, ये इसका डायमीटर है और इसमें ये ट्रायंगल बनी हुई है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया पी क्यू आर, इसकी ये साइड दी हुई है मुझे 7
और ये 20%, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालिए। क्या क्वेश्चन है? फॉर एग्जाम्पल इफ इन गिवन फिगर PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड QR इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, देन फाइंड द शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन, सॉल्यूशन में पहली बात, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर को देखें तो क्यू आर क्या है? डायमीटर। तो एंगल पी कितना हो गया? 90। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी किसके इक्वल होगा? 90। क्यों होगा? एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल P जो है 90 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया एंगल इन सेमी सर्कल? क्योंकि डायमीटर है QR, तो डायमीटर के एंड जहां भी सर्कल पर जाकर मीट करेंगे, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे, वहां 90 डिग्री होगा एंड दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। तो अब यहां से इस ट्राइंगल में से फिर पाइथागोरस थ्योरम से QR आप निकाल सकते हैं। कैसे? इट विल बी बिकम्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहां लिख देता हूं बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। यहां से आपके पास सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम्स 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49 एंड इट विल बिकम्स ऑन एडिशन 625। आफ्टर एडिंग यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 625 आपके पास आ गया। तो 25 अब आपके पास इसका स्क्वायर रूट हो गया। इसका मतलब जो आर है, रेडियस आर ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल जो भी है, वो हो गया 25/2। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें हम कि अगर आप ये शेडेड पोर्शन निकालना चाहते हैं, ये पोर्शन भी निकालना है आपको, ये भी निकालना है पूरा यहां तक और ये भी निकालना है, तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे? इस राइट ट्राइंगल का एरिया। पूरे सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसलिए अब आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं पहले। नाउ एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर, इट मींस इट विल बिकम 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर। इसे आप सोल्व करेंगे, इट विल बिकम 22 इंटू 625 अपॉन 28। क्यों? 25 का स्क्वायर 625, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 28। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 14, ये 11, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 55, 11 को 5 से क्या 55, 11 2 22 और 5 27, 11 6 66 और 2 68 अपॉन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये हो गया हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहां पे? अब आपके पास क्योंकि ये राइट एंगल है पी पर, तो पी क्यू और पी आर बेस और हाइट होंगी, तो यानी यहां क्या ले सकते हैं? 7 इंटू 24,
टू से ये कैंसिल, 24, 12, 7 into 12, that will becomes 84 centimeter square. That will becomes 84 centimeter square. Now you can subtract this area of right triangle from the area of circle. किस लिए? To obtain the area of shaded portion. Hence, yeah, therefore, area of shaded portion it will become 6875 upon 14 minus 84. इसे एलसीएम देख के सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट. तो इस तरह से पहले फिगर में आपको देखना है, समझना है कि कैसे आप रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए किन किन फिगर्स के एरिया आपको पता होने चाहिए, किन किन के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे. उसके बाद आप पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं. इन द लास्ट सेगमेंट का भी एरिया हो सकता है किसी केस में पूछा गया हो, तो सेगमेंट का भी फॉर्मूला हमने बता रखा है. अब आप इसके बेस पर कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर नंबर 12. कंप्लीट चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल. अगर आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम है तो हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.